दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube पर जाएं, सर्च करें बुंदेलखंड टुडे और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। सुबह 3 तारीख को हम लोग 8 बजे डॉक्टर शरद चंद्रा के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर शरद चंद्रा 10 बजे करीब आए। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और गॉल ब्लैडर से पथरी एंडोस्कोपी द्वारा निकाल चंद्रा के पास जो एक उन्होंने सलाह के लिए डॉक्टर बुलाए थे, वो उनसे बोले कि आपने इनको पैनक्रियास को तो नहीं छेड़ा है। तो डॉक्टर शरद चंद्रा बोले कि हाँ एक बार छेड़ा, तो वो बोले कि ये तुमने गलत किया। यूं तो डॉक्टर को भगवान का ही दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये भगवान मरीजों के लिए यमराज भी बन जाता है। आप सभी ने पहले भी कई ऐसे केस देखे होंगे और सुने होंगे जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई हो। ऐसा ही एक डॉक्टर की लापरवाही का मामला झांसी में भी प्रकाश में आया है, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से एक NRI महिला अर्चना टेकचंद की मौत हो गई। दरअसल झांसी थाना नवाबाद में लिखाई गई FIR के अनुसार अर्चना टेकचंद अमेरिका से भारत में झांसी आई हुई थी। अर्चना का मायका झांसी में ही है। अर्चना ने एक साधारण मेडिकल चेकअप के लिए झांसी के जमुना क्लिनिक में डॉक्टर मनीता से संपर्क किया, जिसके बाद डॉक्टर मनीता ने अर्चना टेकचंद को अल्ट्रासाउंड के लिए वर्धमान डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जाने को कहा। अल्ट्रासाउंड में अर्चना को गॉल ब्लैडर में स्टोन यानी कि पथरी बताई गई। अल्ट्रासाउंड होने के बाद 31/7/2018 को ही रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अर्चना रिपोर्ट लेकर पुनः जमुना क्लिनिक गई, जहां से उन्हें झांसी के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक मेघराज मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर शरद चंद्रा से संपर्क करने की सलाह दी गई। डॉक्टर चंद्रा से फोन पर संपर्क करने पर अर्चना ने डॉक्टर शरद चंद्रा को बताया कि उन्हें 9/8/2018 को वापस अमेरिका जाना है, जिस पर डॉक्टर शरद चंद्रा ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट का बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और वो अर्चना को एक ही दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे। जिसके बाद अर्चना 3/8/2018 को अपने भाई व माँ के साथ सुबह 8 बजे मेघराज मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँच गई, जहाँ से उनके भाई उन्हें और उनकी माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर ऑफिस चले गए। जब वो दोपहर 2 बजे वापस हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर शरद चंद्रा ने बताया कि अभी कुछ स्टोन्स बाकी रह गए हैं, जिन्हें 2 दिन बाद पुनः ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। तब तक अर्चना टेकचंद या उनके परिवार ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर शरद चंद्रा द्वारा किया गया एक छोटा सा ऑपरेशन उनकी जान ले लेगा। ऑपरेशन के बाद अर्चना टेकचंद की हालत खराब होती जा रही थी। वे रात भर दर्द से तड़पती रहीं और उल्टियाँ करती रहीं, यहाँ तक कि दर्द कम करने के लिए दिए गए इंजेक्शन से भी उनकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी, जिस पर डॉक्टर शरद चंद्रा ने 4/8/2018 को बाहर से 2 सीनियर डॉक्टर्स को परामर्श के लिए भी बुलवाया, जिसके बाद डॉक्टर शरद चंद्रा की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। सीनियर डॉक्टर्स ने शरद चंद्रा से पूछा कि क्या उन्होंने पेनक्रियास को छेड़ा था, जिस पर शरद चंद्रा ने जवाब हाँ में दिया। तब सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि शरद चंद्रा ने पेनक्रियास को छेड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सर ये बताइए, डॉक्टर से जो गलती हुई है उसमें आप क्या चाहेंगे, डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो गलती, जो मेडिकल नेग्लिजेंस की जो ये इंसिडेंट है, डॉक्टर हैज गिवन द लाइसेंस टू किल द पेशेंट। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टरों को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, ताकि ये आने वाले भविष्य में अन्य मरीजों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि पेनक्रियास को अग्नाशय भी कहते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है और यह खाने को पचाने में मदद करता है। यह खाने को आसानी से पचाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्राव करता है। अग्नाशय एक 6 से 10 इंच लंबी ग्रंथि है जो अमाशय के पीछे पेट में पाई जाती है। इतनी बड़ी गलती होने के बाद डॉक्टर शरद चंद्रा ने आनन फानन में अर्चना टेकचंद को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिया, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद चंद्रा ने अर्चना के भाई को बुलाकर उन्हें जबरदस्ती 1,00,000 रुपए भी दिए, जिसे न चाहते हुए भी अर्चना के भाई को अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि बहस करने में देरी से अर्चना टेकचंद पर खतरा बढ़ता जा रहा था
और मेदांता में 6/8/2018 को करीब 2:30 बजे अर्चना टेकचंद ने आखिरी सांस ली। एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार डॉक्टर से इतनी बड़ी गलती की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अर्चना अपने पीछे 8-8 साल के अपने 2 बच्चे और अपने पति श्री रामचरण आर्या को अकेला छोड़ गई। शुरू से ही अमेरिका में रहने की वजह से अर्चना के बच्चों को ना तो हिंदी बोलनी आती है और ना ही समझनी। हंसते हुए ये मासूम बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि अब उनकी माँ कभी वापस नहीं आएंगी।